अच्छा, आपने सिलेंडर भी 450 रुपए का कर दिया, राजस्थान की सरकार ने 500 रुपए का किया था, तो बीजेपी ने बोला ये रेवड़ी बांट रहे हैं, अब आप क्या बांट रहे हैं? ये रेवड़ी थोड़ी है, बहनों की दिक्कत दूर करने का काम कर रहे हैं हम। देखो, हम तो जनता की तकलीफें देखते हैं और योजना बना देते हैं। हमको लगा कि इस समय राहत की जरूरत है। एक बार हमने बुजुर्गों की पंचायत बुलाई तो बुजुर्गों ने कहा कि बेटा ये रोटी वोटी लाइब्रेरी ये तो हो जाएगा, हमें तीर्थ यात्रा करवा दे, मरने के पहले एक बार तीर्थ जाना चाहते। तो हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनवा दी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी मेरी सब योजनाएं, अब तीर्थ योजना फिर चालू करवा दी, और अब केवल रेल से नहीं हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रहा हूं मैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो कांग्रेस कहती है कि जब हम घोषणाएं करते हैं, हम गारंटी देते हैं, तो मोदी जी कहते हैं रेवड़ियां। बीजेपी की पूरी बीजेपी की टीम कहती है कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, और जब ये घोषणाएं करते हैं तो ये सही है? सुविचारित करते हैं हम। लाडली बहना कैसे बनी? 2017 में मैंने बेगा, भारिया और सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों की बहनें थी उनको 1000 रुपया देना शुरू किया। कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, लेकिन जब मैंने इंपैक्ट असेसमेंट करवाया तो आश्चर्यजनक रूप से उन परिवारों में पोषण का स्तर बच्चों का बढ़ गया, बच्चे स्वस्थ हो गए, क्योंकि मां ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया, उस 1000 रुपए का सबसे पहला उपयोग किया, तो फल दूध और सब्जी अपने बच्चों को दिलाई, पोषण का स्तर ठीक हुआ, तो मेरा उत्साह बढ़ गया। मुझे लगा कि यार छोटी मोटी योजनाएं बना के बच्चों के पोषण का स्तर सुधारने के लिए चने दे दो, चिक्की दे दो, रेडी टू ईट दे दो, अरे उसके बजाय मां को पैसा दे दो, वो अपने आप सब काम कर लेगी, जो जरूरत होगी वो करेगी। इसके कारण मैंने लाडली बहना योजना बनाई कि मां अगर सशक्त होगी, बहन अगर सशक्त होगी, एक गारंटी मैं देता हूं, पुरुष एक बार पैसे का दुरुपयोग कर सकता है लेकिन बहन कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं करती, वो अच्छे काम के लिए पैसा लगाती। आपने दुरुपयोग की